नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने चौथे तिमाही में सरकार को 10% लाइसेंस फी दे दिया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए कंपनी ने मात्र 58 करोड़ रुपए जमा किए हैं। बता दें कि कंपनी की ओर से सरकार को लाइसेंस फी जमा करने की अंतिम तारीख 25 मार्च 2023 थी। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने 10% फी ही जमा किया है, यानी कि वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से लाइसेंस फी कम चुकाए हैं। कहने का मतलब यह है कि वोडाफोन आइडिया ने 90% फी नहीं चुकाए हैं। हालांकि ब्याज के साथ फीस देने के लिए टेलीकॉम कंपनी के पास 15 अप्रैल तक का वक्त है। दोस्तों, पिछले तिमाही में भी कंपनी ने सिर्फ 30% फीस का ही भुगतान किया था। आपको ये भी बता दें कि कंपनी अभी तक फंड जुटाने में नाकाम रही है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली और इसके शेयर नए लो तक पहुंच गए। दरअसल अनुमान है कि मोबाइल सर्विसेज के दरों में जो बढ़ोतरी होनी है वो टल सकती है, जिसकी वजह से निवेशकों ने स्टॉक में बिकवाली की। दोस्तों, दिसंबर 2022 में वोडाफोन आइडिया ने 24 लाख ग्राहक खोए हैं, वहीं रिलायंस और एयरटेल ने ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। जी हां दोस्तों, जियो ने 17 लाख और एयरटेल ने 15 लाख के ग्राहक जोड़े हैं। दोस्तों, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का आने वाला समय बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर में कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।